इकाई 7 सोच अपनी अपनी। नमस्ते बाल दोस्तों। नमस्ते टीचर। बाल दोस्तों, आपने अपनी शाला में वाद विवाद प्रतियोगिता देखी होगी, जिसमें कुछ विद्यार्थी किसी एक विषय के पक्ष में बोलते हैं तो कुछ विद्यार्थी दूसरे पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम भी कुछ ऐसा ही वाद विवाद का पाठ सोच अपनी अपनी में गांव और शहर की बात देखेंगे। आप में से भी किसी को गांव पसंद होगा तो किसी को शहर पसंद होगा। तो चलो हम गांव और शहर का वाद विवाद करते हैं। बाल दोस्तों, सबसे पहले हम गांव के बारे में बात करते हैं। बाल दोस्तों, गांव का जीवन प्रकृति वातावरण में सुंदर और शांत होता है। गांव में लोग कच्चे घरों में रहते हैं। गांव का जीवन सादगी भरा है। लोग सरलता से अपना जीवन जीते हैं। गांव में लोग नदी, तालाब, कुएं आदि का पानी पीते हैं। गांव के लोग मामूली कपड़े पहन के सादगी भरा जीवन जीते हैं। गांव के लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं। गांव में बड़े बड़े खेत होते हैं। गांव के लोग अपने खेतों में उगाया हुआ अनाज और ताजी सब्जियां खाते हैं। गांव के लोग शाम को जब घर पे होते हैं तब वो आसपास के लोगों के साथ बैठकर बातें करते हैं, सबसे मिलते हैं, गांव की बैठक में जाते हैं। गांव के लोग मेले में जाते हैं, बैलगाड़ी साइकिल की सवारी करते हैं। यह है गांव का आनंद और मस्ती। यह आनंद मस्ती शहरों में नहीं होती। गांव में कच्ची सड़कें होती हैं। गांव में बच्चों के लिए तरह तरह के खेल रमत होते हैं। गांव में सब मिलजुल कर अपने कार्यों और त्योहार मनाते हैं। गांव में खेतों की हरियाली और आसपास का वातावरण सुंदर और रमणीय ताजगी भरा होता है। गांव के लोग शांति से अपना जीवन जीते हैं। गांव का वातावरण सुंदर प्रकृति के बहुत नजदीक होता है। इसीलिए जो सुख शांति ग्रामीण जीवन में है वह नगर यानी कि शहर में नहीं मिल सकती। अब शहर की बात करें तो शहर के लोगों का जीवन प्रकृति के वातावरण से बहुत दूर होता है। शहर में पक्की सड़कें, पक्के घरों, बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों के मकानों में लोग रहते हैं। शहर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होता है। शहर में लोग नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा सब्जी फल खरीद कर खाते हैं। शहरों में कई सारे छोटे मोटे वाहनों का शोर से शहर का वातावरण अशांत रहता है। शहर के लोग दुकानों, बैंकों, दफ्तरों और कंपनियों में काम करते हैं। शहर में कई स्कूल और कॉलेज होते हैं। शहर के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। शहर में कई सारी संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। शहर में उन्नति के कई सारे अवसर हैं। शहर का वातावरण प्रदूषित होता है। शहर में भाग दौड़ और गतिशील जीवन होता है। शहरों में बुद्धि प्रतिभा की चमक दमक देखी जाती है। शहर में लोगों को वैज्ञानिक सभ्यता से फलने फूलने का अवसर मिलता है। शहरों की भागदौड़ यहाँ के गतिशील जीवन की सूचक है। शहरों में लोग फैशनेबल कपड़े पहनते हैं और आधुनिक उपकरणों से अपना जीवन शिक्षित और प्रगतिशील करते हुए अपना जीवन पसार करते हैं। शहर में तड़क भड़क और बनावटी चीजें अधिक होती हैं।
शहर के लोग अपने काम से काम रखते हैं और गतिशील जीवन जीते हैं। गांव के वातावरण में जो ताजगी और शांति होती है वो शहर में हमें नहीं मिलती। शहर के लोग शिक्षित और काबिल योग्यता पाकर वो आधुनिक संशोधन और वैज्ञानिक सभ्यता से आगे बढ़ते हैं और अपना जीवन निर्धार करते हैं। इसीलिए शहरों में तड़क भड़क और आधुनिकता से परिपूर्ण लोग अपना जीवन जीते हैं। देखा बाल दोस्तों, गांव और शहर दोनों में बहुत अंतर है। गांव की सुंदरता, ताजगी भरा जीवन शहर में कहां, और शहर का आधुनिक और वैज्ञानिक जीवन गांव में नहीं। इसीलिए कई लोगों को गांव पसंद है तो कईयों को शहर पसंद है।